अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपको अपने चैनल की एक नई वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एक लोकल सर्वर डेवलप करना चाहें विंडोज़ 10 पे या किसी पे भी, तो उसके लिए आपके पास बेहतरीन तरीकाकार क्या होगा, उसके लिए आप क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, आप कैसे अपना एक लोकल बनवा सकते हैं। मतलब अगर आप होस्टिंग नहीं अफोर्ड करना चाह रहे, आप चाह रहे हैं आपके किस साइट आपके कंप्यूटर पे होस्ट करें, तो आप उसके लिए कैसे करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और गूगल में आप जाके लिख के सर्च करेंगे एम्प्स, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास सबसे ऊपर आ जाएगी amps.com की वेबसाइट। फिर आपने यहाँ पे जाके ये डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर लेना है। ये यहाँ पे आप लिखेंगे /download, तो ये उसके बाद आपसे खुद पूछ लेगा, ठीक है, आपको कौन सा वर्जन चाहिए। तो 64 बिट, ठीक है। ये देखें, जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, और ये आप देख सकते हैं मेरे पास ऑलरेडी सेटअप पड़ा है, इसलिए मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगा। उसके बाद फिर डाउनलोड करने के बाद आपने जस्ट इस पे इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर लेना जो आपके पास डेस्कटॉप पे अवेलेबल है, और ये आपको जो है ना वेलकम विजिट आ गया। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, फिर एक्सेप्ट कर लेंगे एग्रीमेंट को, फिर नेक्स्ट, और उसके बाद यहाँ पे आप अपना स्पेस स्पेसिफाई करेंगे जहाँ पे आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेंगे। ये लिखा हुआ है ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो इसको हम एनीवे कर देते हैं। मैंने आपको पहले किया हुआ था, तो चलो मैं री इंस्टॉल करके आपको दोबारा करके दिखा रहा हूँ। तो इसको मैं यस कर देता हूँ, नेक्स्ट। और ये इसने पूछा है कि स्क्रीनशॉट क्रिएट करना है क्विक लॉन्च में और स्मार्ट मेन्यू में, इसको तीनों को ओके कर देता हूँ, और ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई। ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं होती है, टोटली 120 या 121 MB की होती है, ये बहुत हुआ तो 1 या 2 मिनट लेगी। ये एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक बहुत ही सिंपल मेथड है इंस्टॉलेशन का। इसके अलावा ये आपको बिल्कुल सी पैनल वाला एक प्रीव्यू प्रोवाइड करता है, मतलब ये एक कह सकते हैं एक सॉफ्टवेयर कुलस वालों ने इसको डेवलप किया हुआ है। तो यहाँ पे चलो मैं थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। ये हमारी इंस्टॉलेशन अप्रॉक्सीमेट कंप्लीट हो चुकी है, और ये हमारा एम्प्स सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। ये जस्ट क्विक लॉन्च पे क्लिक कर रहे हैं, इसे फिनिश पे क्लिक करते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा लोकल सर्वर सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसे एक्सेस कैसे करना है। ये आप जाएं यहाँ से होम पे क्लिक करें, तो यहाँ पे ये हमें डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है। आपने अगर कोई न्यू डोमेन ऐड करनी है तो उसको जो है सिंपली आप जाके यहाँ पे ऐड डोमेन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अपना डोमेन नेम दे देंगे, जो भी आप देना चाहें, माई डोमेन या जो भी आप देना चाहें आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद ऐड डोमेन पे आप क्लिक कर लेंगे और आपकी डोमेन ऐड हो जाएगी। अभी मैंने कोई ऐड करी नहीं है, जस्ट आपको दिखाने के लिए कर रहा था, इसलिए ऐसे किया। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करेंगे। ये ब्लॉगर में जाएंगे और जाके ये बिल्कुल एग्जैक्टली जो है ना सॉफ्टवेयर कूलर्स ही है, तो एम्प्स की तरफ से सॉफ्टवेयर कूलर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। ये आप जाके जस्ट वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे यहाँ से, तो ये इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं बिल्कुल वही जाना सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जाके एडमिन यूज़र नेम, और ये चले मैं पासवर्ड भी इसका यही दे देता हूँ, जस्ट आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ से इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर लूँगा। यहाँ पे आप किसी थीम वगैरह को सिलेक्ट नहीं करेंगे, अदरवाइज़ ये इंस्टॉलेशन ड्रॉप हो जाएगी। ये डाउनलोडिंग पैकेज लिखा रहा है, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, बहुत हुआ तो 1 मिनट लेगा। ये हमारी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गई है, और उसके बाद ये इंस्टॉलेशन है। ये बता रहा है कि इस जगह पे पहले से कुछ फाइल्स एग्जिस्ट कर रही हैं, तो चलो मैं उन्हें रिप्लेस कर देता हूँ, ओवरराइट कर दें या रिप्लेस पे क्लिक कर दें। और ये हमारे लोकल सर्वर पे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर हम चाहें कि वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को एक्सेस करें, ये हम जस्ट इस पर क्लिक करेंगे, और ये आप देख सकते हैं लोकल होस्ट एम्प्स index.php, और ये डायरेक्टली जा रहा है इसके मेन पेज पे।
ये हमारी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों हम हाजिर होंगे फिर एक और नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक पे। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।